लॉकडाउन ने तो जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर ताला ही लगा दिया था, इसके बाद अनलॉक में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फिर से पटरी पर आती दिखाई दे रही है। कई शो की शूटिंग शुरू हो गई है, हालांकि ये सभी सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार किया जा रहा है। कम क्रू मेंबर्स के साथ शो की शूटिंग को कम्प्लीट किया जा रहा है। हाल ही में भाभी जी घर पर हैं के सेट पर भी फिर से शूटिंग स्टार्ट हुई थी, और अब खबर ये आ रही है कि हिमेश रेशमिया ने सारे गामा पा लिटिल चैंप्स की शूटिंग को फिर से स्टार्ट कर दिया है। लॉकडाउन के बाद हिमेश रेशमिया पहली बार सारे गामा पा लिटिल चैंप्स के सेट पहुंचे। वो इस रियलिटी शो में जज हैं, जहां वो देश भर से आए बच्चों का शो में सिलेक्शन करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। इतने दिनों से शो की शूटिंग बंद पड़ी थी, लेकिन फिर से शूट शुरू होने के बाद हिमेश रेशमिया कहते हुए दिखाई दिए कि नई कोरोना दुनिया में जीवन बहुत अलग है, इसने मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरीके से बदल दिया है। जिस तरह से मैं जीवन की सबसे छोटी चीज़ों को देखता हूँ, वो चीज़ें आपको खुश करती हैं, वो सब बदल गई हैं। आप सभी जानते हैं कि हिमेश ने कई सारे हिट्स दिए हैं, साथ ही साथ वो 14 से ज़्यादा म्यूज़िक रियलिटी शो को जज भी कर चुके हैं। लॉकडाउन के बाद सेट पर आने पर उन्होंने कहा कि सेट पर आना खुली हवा में सांस लेने जैसा है और अपने साथियों से इतने लंबे समय के बाद मिलकर अच्छा लगा। इस दौरान हिमेश थोड़े इमोशनल भी दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि शूटिंग के वक्त कोरोना वायरस से सुरक्षा संबंधी सभी उपाय किए गए हैं। आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया ने कोविड-19 योद्धाओं को एक संगीत में श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही बच्चों ने हिमेश रेशमिया का पहला गाना ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम पर परफॉर्म किया, जिसे देखकर हिमेश अपने पास्ट को याद करते नजर आए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।